नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आपको ये सामने जो प्लांट रखा है इसकी केयर बताने वाला हूँ। और ये जो प्लांट है, देखिए क्या हुआ कि एक सिंदूर का प्लांट है। जी हाँ, ये ओरिजिनल सिंदूर का प्लांट है जो कि औरतें अपने मांग में लगाती है, ये वही सिंदूर का प्लांट है। तो देखिए, इस सिंदूर का प्लांट को कई नामों से जाना जाता है। तो संस्कृत में जो है इसे देखिए सिंदूरी के नाम से, या फिर जो है इंग्लिश में इसे एलबिस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे इसके नाम है। तो आप ये जो प्लांट है जिस नाम से आप पुकारते हैं या फिर जानते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। तो इसकी जो प्लांट की है पूरी केयर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कैसे इसकी जो प्लांट अगर आपको ग्रो करना है या फिर आपको ये आपके पास है, तो कैसे इसकी जो केयर वो करनी है। तो देखिए, सबसे पहले किसी बात की जाए इस प्लांट को लगाने की, तो सबसे पहले जो है हम देखिए पॉट में जो भी प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मिट्टी हमें यहाँ पे वेल्ड्रेन बनानी पड़ती है। अगर आप इस प्लांट को या फिर अदर कोई भी प्लांट जो अगर जमीन में लगाते हैं, तो वो प्लांट जो इजीली यहाँ पे ग्रो कर जाता है, उसको कोई ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं रहती। सिर्फ दिक्कत जो यहाँ पे रहती है वो है पॉट में प्लांट जो ग्रो करते हैं, तो तभी हमें ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इसकी जो सॉइल है वो यहाँ पे आपको वेल्ड्रेन मिट्टी यहाँ पे बनानी है। तो वेल्ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए यहाँ पे जो है आपको देखते जो रेशियो आपको रखना है वो 50-50 यहाँ पे रेशियो रख सकते हैं। क्योंकि इस प्लांट को मैं कहूँ कि अधिक जो है और वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आप इसको और वाटर करते हैं तो सभी तरह जो प्लांट है, मैं कहूँ कि इसके रूट रॉट हो जाता है, फंगस का ये शिकार हो जाता है, इसकी जो जड़ें हैं वो खराब हो जाती है, तो आपका प्लांट यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे केयर यही रखनी है कि जो मिट्टी यहाँ पे वेल्ड्रेन मिट्टी आपको यहाँ पे रेडी करनी है। देखिए, आप कोई किसी प्लांट की जब नए प्लांट आप रिपोर्ट करते हैं, तो आपको खास बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कि फर्टिलाइजर वगैरह ना ऐड करते हुए सिर्फ आप इसमें जो रेशियो है वो 50-50 का रख दीजिए, ताकि आपका प्लांट है वो पहले अच्छे से यहाँ पे सर्वाइव कर सके, जो उसकी ग्रोथ यहाँ पे अच्छे से हो सके। बाद में जो है आप जब बड़े पॉट में इसको ट्रांसफर करते हैं कोई भी प्लांट को, तब उसमें जो फर्टिलाइजर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो शुरू में जो फिर शुरुआती दौर में जो मैं कहूँगा कि प्लांट को जो अधिक फर्टिलाइजर की नीड नहीं यहाँ पे रहती है, वो जो कुछ उसको चाहिए तो जो सॉइल से यहाँ पे ले लेता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी आपको वेल्ड्रेन यहाँ पे रेडी रखनी है, और इस तरह से इसके बाद देखिए बात करते हैं कि इस पे अब देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट है मैं कहूँगा एक परमानेंट प्लांट है, तो आप इसे जब लगाते हैं तो सालों साल आपके पास रहने वाला है। तो थोड़ी सी केयर आपको यहाँ पे करनी है। और देखिए बात की जाए इस पे मैं होने वाले की फ्लावरिंग की, तो देखिए इसमें जो फ्लावरिंग है ये अगस्त से लेकर जो है सितंबर तक इस प्लांट में जो है फ्लावरिंग बड़ी प्यारी से निकलती है, और जो फ्लावर है वो लाल रंग का यहाँ पे रहता है। और जब इसमें फ्लावर से जब ये फ्रूट में जब कन्वर्ट होता है, तो देखिए वो जो है यहाँ पे ब्लूमिंग जो इसका टाइम रहेगा नवंबर से दिसंबर में ये रहेगा। और उसके बाद जब इसमें फ्रूट लग जाते हैं, तो फ्रूट लगने के बाद क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें जो पहला जो फ्रूट लगेगा वो यहाँ पे ग्रीन कलर का रखता है, और बाद में जो है वो थोड़ा रेड कलर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। जब वहाँ पे जो फ्रूट्स वो अगर मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद क्या है, देखिए आप उसकी जो सीड्स है वो यहाँ पे हार्वेस्ट करने के बाद जो है उसको यहाँ सुखा सकते हैं, और ड्राई होने के बाद जो आप उसको पीस के जो है पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। और देखिए, अब मैं कहूँगा ये जो प्लांट है ये भी वैसे तो ये औषधीय प्लांट भी है, इसका बहुत सारा जो है आयुर्वेद में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके लिए आप देखेंगे तो कहीं देखिए इसको जो है लिप बाम वगैरह लगाने में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, और लिप्स पे लगाने के लिए या फिर जो है और मांग में सिंदूर भरने के लिए, और से और भी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे की जाती हैं। देखिए, जब इस प्लांट पे मैं कहूँगा कि जब फूल वगैरह निकलते हैं, तो आपके इस प्लांट पे देखिए पानी वगैरह नहीं डालना है, और इसके लीव्स वगैरह पे भी जो है आपको अधिक पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये कहूँगी इसमें जो है फंगल का जल्दी से शिकार हो जाता है। तो इसके पे जो आपको पानी ज़्यादातर इस प्लांट पे नहीं रखना चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तियाँ हैं इस तरह से वो यहाँ पे ड्राई होने स्टार्ट हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है। तो आपको इसमें जो है और वाटरिंग भी नहीं करनी है, और ना ही इसके प्लांट पे अधिक फूलों पर पानी डालना है। अब बात की जाए देखिए दोस्तों, उसको आपको प्लेस कहाँ पे करना है, तो प्लेस आपको जो है उसको फुल सनलाइट में प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट ही वैसे तो रहता है, तो धूप से इसको जो है परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं देखिए दोस्तों वाटरिंग की, तो वाटरिंग इसमें वही आपको रखना है कि आपके इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी आप यहाँ पे जो इसकी मॉइस्ट यहाँ पे रखिए, आप जो इसमें और वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, मॉइस्ट यहाँ पे रखना है। जब आपके नेक्स्ट डे आप इसको या फिर जो है नेक्स्ट डे या 2 दिन में या 1 दिन में जब आपकी इसकी मिट्टी नेक्स्ट डे आपको कभी भी ड्राई दिखाई दे, तब इसमें जो आपको वाटर ऐड करना है, फिर आपको इसमें यहाँ पे छोड़ देना है। इस तरीके से आपको इस प्लांट में पानी देना है। और बात की जाए देखिए इस प्लांट को अगर मैं कहूँ कैसे ग्रो यहाँ पे करना है, तो देखिए इसकी जो कहूँगा कटिंग है, तो इसकी कटिंग भी यहाँ पे इजली से लग जाती है, और इस प्लांट को देखिए सीड्स के द्वारा भी जल्दी से यहाँ पे प्रोपगेट किया जा सकता है। तो उसके जो सीड्स है वो ड्राई यहाँ पे हो जाएंगे, तो उसके सीड्स को भी यहाँ पे द्वारा ये प्लांट ही ग्रो कर सकते हैं, और कटिंग से भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अब बात की जाए देखिए इस पर होने वाले पेस्ट वगैरह अटैक की, तो इस प्लांट पर जो है कुछ अधिक खास पेस्ट वगैरह अटैक इस पर नहीं होता है। तो अगर आप कुछ इस पे जो पेस्ट वगैरह अटैक देखते भी है, तो देखिए इसके लिए इस वगैरह पे तो आप जो इस पे नीम वगैरह का स्प्रे इस पे ले सकते हैं। ये प्लांट जो आप अपने आसपास के लोकल नर्सरी में ले सकते हैं, नहीं तो आप देखिए इसके जो सीड्स वगैरह है वो आपको अमेजोन वगैरह की साइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप जो है बाय करके इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें बात करूँगा जो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो आप इसकी देखिए साइड ब्रांचेज यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो इसके आप प्रूनिंग वगैरह करते हैं तो अपनी साइड ब्रांच ग्रो करता है, जिसके प्लांट आप अपना बुशी यहाँ पे बना सकते हैं।
अब बात की जाए देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है मेनली फर्टिलाइजर की, तो इस प्लांट की जो है अधिक फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहती है। आप यहाँ पे इस प्लांट को अगर फर्टिलाइजर करना चाहते हैं तो देखिए इस पर फ्लावरिंग के समय यहाँ पे आता है, तो उसमें जो है आप इसमें वर्मी कम्पोस्ट या फिर जो और जैसे सब प्लांट को यहाँ पे नीड रहती है सभी जो थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन की, वो इसके हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप जो है इसमें थोड़ा वर्मी कम्पोस्ट दे दीजिए, फिर आप दो चार दाने अगर सिंथेटिक फर्टिलाइजर देना तो आप DAP पर ऐड डाल सकते हैं। सरसों खली के जो फर्टिलाइजर वो इसमें ऐड कर सकते हैं, नीम कली वो इसमें ऐड आप डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट ये सब इसमें जो है प्लांट में डाल सकते हैं। लेकिन आपको जब जो फर्टिलाइजर है थोड़ी थोड़ी मात्रा में देने हैं, क्योंकि इस प्लांट को अधिक कह रहा हूँ मैं आपको जो फर्टिलाइजर की यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहती है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब आपका प्लांट अच्छे से यहाँ पे ग्रो हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको उसका जो है अपना फाइनली बड़े पॉट में आप रिपोर्ट कर दीजिए, और वहाँ पे जो आप अच्छे से इसका फर्टिलाइजर देखिए अच्छे से ग्रो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थी कि छोटी सी केयर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा प्लांट है। इस पे जो फ्रूट्स आप लगेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पे लगेगा, तो उसको जो आप अपने छत में पॉट में जो ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी इसकी छोटी सी जानकारी, मेरे मुताबिक जितना मुझे इसका मालूम था वो मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नई जानकारी के साथ।